अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में ही मॉब लिंचिंग का डर जता दिया है। रमेश विधोड़ी और दानिश अली विवाद में ओवैसी भी कूद पड़े हैं और उन्होंने बयान दे डाला, हालांकि कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बयान ज्यादा लगता है। हैदराबाद की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, संसद में किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग हो सकती है, प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के नारे का क्या हुआ? रमेश विधोड़ी और दानिश अली के बीच हुए विवाद में कूदे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उन्होंने संसद के भीतर मुस्लिम की मॉब लिंचिंग का आरोप मढ़ दिया। ओवैसी ने संसद में मॉब लिंचिंग का डर जताया, हालांकि अपनी रैली में वो कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण बात कह गए। संसद को लेकर इस तरह के बयान देने दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, और असदुद्दीन ओवैसी ने रमेश विधोड़ी और दानिश अली विवाद में कूदते हुए ये बयान दिया। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजीत, राजनीतिक विचारधारा का विरोध अलग बात है, इस तरह की चीजें अक्सर आती रहती हैं दो अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन संसद की तुलना सड़क पर हो रही हरकतों से, सड़क पर हो रही गुंडागर्दी से करना कितना जायज है? और असदुद्दीन ओवैसी का बयान कितना सही है? राजनीतिक दल इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए सर, तो मेरे अगर हम क्या राजीव बात करें तो जिस हिसाब से रमेश विधोड़ी को लेकर इशू बनाया जा रहा है, हकीकत में बीजेपी उसका साफ तौर पर बता कुछ नजर आ रही है। कह रही है कि आखिर रमेश विधोड़ी ने ऐसा क्या कह दिया? आप बार बार तुलना कर रहे हैं नुपुर को लेकर, जिस हिसाब से नुपुर ने बयान दिया, नुपुर ने तो एक बयान दिया था, अलग बैठ के दिया था, लेकिन आप बार बार उसको मुद्दा लेकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि रमेश विधोड़ी पर कार्रवाई हो जाए। भैया अगर कोई चीज है तो ठोस कोई चीज है, बातें वो कीजिए, लेकिन इस तरह से बयानबाजियों के दौर में बयान बहादुर कम बनिए। आपने क्या कुछ संसद में बोला है, क्या कुछ तमाम बीजेपी पे आरोप लगाए, पीएम पे क्या क्या बड़ी बातें बोली हैं, अगर वो सारी चीज निकाली जाए तो शायद आप भी औहदे मुंह गिर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ओवैसी ने बयान दिया है सड़क पर, वो साफ तौर पर निंदनीय है। बीजेपी का ये कहना है कि जिस हिसाब से ओवैसी केवल अपनी गंदी राजनीति के चलते फेमस रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि जब महिला आरक्षण बिल का होता है तो उस पर वो वोट ही नहीं डालते, चटनी काट लेते हैं, खिलाफ वोट डालते हैं, बातें करते नजर आ रहे हैं। राजीव, हाँ, वो महिला आरक्षण पर उन्होंने खिलाफ वोट डाला था, AIMIM ने विरोध किया था, दो वोट जो विरोध में पड़े थे, लेकिन ओवैसी के इस तुलना को, संसद की तुलना को, क्या ये संसद का अपमान नहीं है कि संसद में उन्होंने इस तरीके का आरोप मढ़ा है कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल सही, तो पर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में सभी सांसदों की उतनी ही महत्वता होती है जितनी सभी सांसदों की, चाहे वो बीजेपी की, कांग्रेस की, या फिर MIM की हो, या तमाम तरह BSP की हो, समाजवादी पार्टी की हो, लेकिन इस तरह से तमाम तरह से बयानबाजियों में आप पार्लियामेंट को लेकर पार्लियामेंट पर आरोप लगा देना कि वहां पे कोई भी मुस्लिम सांसद सेफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की गरिमा पर ठेस पहुंचती है और बीजेपी इसको लेकर आने वाली रणनीति बना रही है। आने वाले समय में वो भी एक कंपेन करेगी कि पार्लियामेंट की किस तरह से गरिमा को धूमिल करने की कोशिश यहाँ पे ओवैसी करते नजर आ रहे हैं और ओवैसी पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या दिल्ली बीजेपी, क्योंकि रमेश विधोड़ी को निशाना बनाया जा रहा है, दिल्ली बीजेपी अब इस बयान को लेकर कुछ प्रदर्शन करने की बात कह रही है, दिल्ली बीजेपी इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने की बात कर रही है? देखिए साथ पर है ओवैसी के इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी आक्रामक है और कहीं ना कहीं आज जिस हिसाब से प्रोग्राम बीजेपी का है शाम में, उसके बाद से एक बड़ी रैली का हो सकता है कि बड़े विरोध प्रदर्शन का यहाँ पर नजारा देखने को मिल सकता है आज शाम तक या फिर कल सुबह तक। तो साथ पर है ओवैसी के इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी आक्रामक रूप अख्तियार कर सकती है, जो ऐसे सूत्र बता रहे हैं। हो सकता है कि ओवैसी के जो दिल्ली वाले आवास में उस पर कुछ कार्यकर्ता पहुंचकर उनके
विरोध प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से ओवैसी इस तरह से बयान दे रहे हैं, पार्लियामेंट की गरिमा को रुगी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं? आप दूसरों पे आरोप मढ़ते हो लेकिन खुद जब काम करते हो तो सोचते हो वाह भाई हम लूट लेंगे और राजनीति के पायदान पर खड़े होकर सियासत करते नजर आएंगे। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप बीजेपी लगाते हुए नजर आ रही हो, कह रही है कि देखिए साहब आप मुद्दा बना रहे हो, अगर आप अगर किसी भी चीज को मुद्दा बनाते हो तो सही मुद्दे पे बात करते तो बेहतर होता, मुद्दे पे आप बात करते नहीं, मुद्दे पे तो आप भाग जाते हो, क्रॉस वोटिंग करते हो, ऊपर से आप मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट पर ही आरोप लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोष आप दोषी आप भी हैं, इसलिए जितनी जो मांग आप कर रहे हैं तो कार्रवाई उस पर आपके भी होनी चाहिए। राजीव ठीक है, अजीत बने रहिए आप हमारे साथ, इस वक्त बने रहिए क्योंकि ओवैसी ने राहुल गांधी को भी खुला चैलेंज दिया है, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं राहुल, ओवैसी का चैलेंज, वायनाड के बजाय हैदराबाद से चुनाव लड़ें राहुल, हैदराबाद आकर दो दो हाथ कर लें राहुल गांधी, चैलेंज किया है कांग्रेस के उस नेता को जिसके नाम पर पूरी कांग्रेस खुद को एक होने का दावा करती है, राहुल गांधी को चैलेंज ओवैसी का, वायनाड छोड़िए हैदराबाद आइए चुनाव लड़के दिखाइए, आइए दो दो हाथ कर लेते हैं। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ क्या वायनाड जाके प्यारे लाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे, आओ शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो मजा आएगा। लेकिन ओवैसी यही नहीं रुके, जैसे ओवैसी का ही यह दिन था, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया नाम के गठबंधन पर भी निशाना साधा और ये कहा कि इन नेताओं पर वो भड़के, असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन के नेता मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं, मुस्लिमों का नाम लेने से डरते हैं राहुल, अखिलेश और लालू, महिला आरक्षण में ओबीसी और मुस्लिम महिला को भी आरक्षण मिले। कांग्रेसी ऐसे है समाजवादी लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में, मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं, हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी हम उनकी उम्मत हैं, आखा ने फरमाया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, आखा ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है, हम कैसे अपनी खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं। अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं, अजीत बीजेपी और दूसरे मुद्दों पर लगातार खुलकर बोलते हुए कल दिखाई पड़े असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन उन्होंने ये सब में लपेटे में कांग्रेस को भी लिया, नए बने इंडिया गठबंधन को भी लिया और खुलकर चैलेंज करते हुए दिखाई पड़े, क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ से असदुद्दीन के चैलेंज पर कोई प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि असदुद्दीन ने तो मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर ही चैलेंज कर डाला। देखिए साथ ऊपर है कि ओवैसी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब राजनीति समय है और 2024 में जब लोकसभा का संग्राम होगा बिगुल बचेगा उसमें ओवैसी की जमीन न खिसक जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि फिर से वही मुस्लिम ट्रंप कार्ड खेल के अपने तमाम मुसलमानों की सिंपैथी लेकर वो फिर से हैदराबाद में चुनाव जीत सके, उनकी पार्टी के तमाम जो सांसद अभी जीत के आए हैं वो सीटें कम ना हो उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बयान को लेकर जब हमारी कुछ कांग्रेस नेताओं से बातचीत हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि ओवैसी तो साहब एमआईएम नहीं बल्कि बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करते हैं, जहां बीजेपी को लगता है वहां पे एमआईएम के ये अध्यक्ष ओवैसी साहब खड़े होकर कांग्रेस के खिलाफ या अन्य पार्टियों के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। आखिर ओवैसी साहब उस समय चुप क्यों रहते हैं जब तमाम चीजों पर विपक्ष एकजुट होकर बातें करता है, उस समय विपक्ष क्यों नहीं बोलते नजर आते? आप अपने मसौदे को लेकर बस आप राजनीति कर रहे हो, आपको क्षेत्र में जाकर बस राजनीति करनी है, हकीकत तो ये है कि आप मुसलमानों के मसीहा बनते हो लेकिन आपके लोग और आपके साथ वाले लोग
वो आपसे डरते हैं कि कहीं आपकी सिंपैथी में उनका क्या होगा। ये तमाम आरोप यहाँ पे कांग्रेस नेताओं का कहना है, छात्रों का कहना है कि आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा है जो हमने नहीं उठाया, ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमने बात की, ऐसे कौन सी ऐसी जो बातें कर रहे हैं मुस्लिम लीडर्स की, कौन सी हमने ऐसे मुद्दे हैं जो बात नहीं की। ओवैसी साहब केवल बस मुद्दों की बात करते नहीं करते, बाकी सारी बातें करते हैं। जब मुद्दों की बात होती है तो कन्नी काटते नजर आते हैं। 24 का इशारा, आप 24 का इशारा दे रहे हैं, 24 का इशारा सभी समझ रहे हैं किस तरीके से बयान आ रहे हैं, कौन किसकी ए या बी पार्टी है, ये सारे बयान अभी और भी आने वाले हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने तो मोर्चा खोल ही दिया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत आपका। एक छोटे से ब्रेक की तरफ